गुड आफ्टरनून। आज छात्र द्वारा जो शिक्षक का अभ्यर्थी थे उस शिक्षक का अभ्यर्थी द्वारा आंदोलन किया जा गया था। उससे बहुत सारे छात्र मेरे शिष्य जो हमसे क्लास करते हैं वो भी गए थे और आंदोलन में भाग लिए थे। लेकिन जब आंदोलन को मैंने देखा कि पुलिस ने बर्बर रूप से लाठी चलाई जिससे लगभग 50 से अधिक छात्र घायल हो गए। पुलिस लाठी इस ढंग से चला रही थी, लग रहा था कि बिहार क्यों नागरिक है ही नहीं। अपनी जायज मांग लेकर छात्र द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। सरकार की स्पष्ट मंशा इस बहाली में नहीं है। अगर स्पष्ट मंशा सरकार की रहती तो ऐसी स्थिति में जो डोमेसाइल नीति है जिसको समाप्त किया और दूसरे राज्यों के लड़कों को भरने के लिए फॉर्म की अनुमति दिया। आप कोई भी स्टेट दीजिए, अगर हम बगल में यूपी ले लीजिए, यूपी किसको देता है शिक्षक के बहाली में, जो 5 साल लगातार 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हों, वैसे व्यक्ति को वह डोमेसाइल नीति वैसे व्यक्ति को फॉर्म भरने के अनुमति देता है। झारखंड में कोई कुछ भी अनुमति नहीं देता, उड़ीसा में कुछ भी अनुमति नहीं देता, उत्तराखंड में कुछ भी अनुमति नहीं देता। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया और निर्णय लेकर किसी कोई भी कहें कि स्टेट क्लर्क का भर सकते हैं, यह निर्णय पूर्णतः गलत है मेरे हिसाब से। ऐसी स्थिति में अपने निर्णय को वापस लेनी चाहिए सरकार को। जब बच्चे आंदोलन करते हैं, अपनी जायज मांग के लिए रखते हैं, तो वह मिलते नहीं है कोई अधिकारी। और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री का सवाल है, और इतिहास में देख आफ्टर स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो सबसे खत्म शिक्षा मंत्री बना बिहार का, उनको लिखते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, लेकिन समझ में नहीं आता उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वह किस ढंग से निर्णय लेते हैं। मूल विज्ञप्ति निकाली गई, मूल व्यक्ति में अब तक 10 बार संशोधन हुआ, अभी और कितना बार संशोधन होगा कहना मुश्किल है। लगता है कि 20 बार संशोधन होगा। आज तक कोई भी विज्ञप्ति निकला, हम लोग भी फॉर्म भरते थे, मूल विज्ञप्ति जब निकल गया संशोधन एक आध दो बार हुआ, इसके बाद कोई भी संशोधन नहीं हुआ। लगता है कि शिक्षक के बहाली को एक मजाक के पात्र बना दिए हैं लड़कियां। और कहते हैं कि बिहार में मैथमेटिक्स का टीचर नहीं, साइंस का टीचर नहीं, शिक्षक की बहाली अधिक है, इसलिए दूसरे राज्यों के लड़कों को मौका दिया गया। उनको सोचना चाहिए। स्टेट आप कितना दिन पहले रहे हैं, जो आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया है और शिक्षक के बहाली में जो जाने की प्रक्रिया है, उस आधार पर स्टेट पास होना चाहिए। स्टेट आप कितना दिन पर लिए हैं, कितना साल पहले आप स्टेट लिए, इस पर कभी गंभीर रूप से विचार किए, बयान देने के पहले कभी सोचे कि आपको जानकारी है या नहीं स्टेट कब लिया गया था। अगर स्टेट टाइमली नहीं लिया जाता, टीचर कहाँ उपलब्ध होंगे। परीक्षा के जो पैटर्न है, चाहे नियुक्ति की प्रक्रिया है, शुरू से ही नियुक्ति की प्रक्रिया जो टीचर के बहाली में की है पूर्णतः गड़बड़ की है। नीतीश गवर्नमेंट ने शुरू में किया था सर्टिफिकेट देखा और नौकरी पाओ, वहीं से नियुक्ति की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। इसके बाद गड़बड़ी होते चली गई, धीरे धीरे सुधारने का प्रयास किया, लेकिन अभी सुधारेंगे क्या और गर्त में ले गया। जो बिहार एक इतनी बड़ी जनसंख्या है, यहाँ कुछ बहुत आबादी बेरोजगार है, सिर्फ लड़के सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। जब आप वैकेंसी निकालते हैं तो अदर स्टेट को मौका देते हैं। आप पहला बार देख लेते कि लड़के मेरे स्टेट का है कि नहीं, फुलफिल होता है कि नहीं, सेकेंड स्टेट होता तो उस पर आप विचार करते। लेकिन अभी परीक्षा हुई नहीं, 10वां बार संशोधन किए और 10वां बार संशोधन करने के बाद 10वां बार संशोधन करने के बाद सर को जब लड़के छात्र नेता और छात्र सड़क पर उतरे तो ऐसी स्थिति में पुलिस के लाठी के मार लगवाए। तो पुलिस के लाठी के मार लगवाए कितना
आप इससे गंदा काम किए। अपने ही छात्रों पर अपने से ही लाठीचार्ज करवाना, अपने ही पुलिस से पिटवाना, यहाँ तक कि लड़के आंदोलन में थे, लड़कियाँ को भी मार लगी, बहुत सारे छात्र और लड़कियाँ घायल हुई, ऐसी स्थिति कहाँ तक उचित है? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तेजस्वी कहते हैं कि युवा की सरकार है, आप युवा की सरकार है कहाँ? अगर आपकी युवा की सरकार रहती, आप घोषणा किए नौकरी को, बिहार की नौकरी में बिहार के छात्रों को प्राथमिकता देते, जिन्होंने पहली बार विज्ञप्ति निकाले थे कि बिहार के डोमिसाइल नीति को अपनाए थे और डोमिसाइल नीति को अपने हटाने का काम किया। कैबिनेट की जब मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग में डिस्कस होता है या नहीं होता है मैं नहीं जानता, लेकिन देखना चाहिए क्या बगल के प्रोविंस, बगल के राज क्या इस ढंग से देते हैं, बगल के राज क्या इस ढंग से देते हैं टीचर के बहाली में, बगल के राज क्या बगल के राज लड़कों को, बगल के राज लड़कों को सुविधा देते हैं जो सुविधा होनी चाहिए, जो सुविधा होनी चाहिए डोमिसाइल नीति समाप्त करके? क्या उत्तर प्रदेश नहीं देती, झारखंड नहीं देता, उत्तराखंड नहीं देता, भारत के कोई भी स्टेट? क्या बिहार के लड़के को शिक्षक की बहाली में क्या फॉर्म भरने देता है? आप क्यों दिए, क्या कारण है से आप दिए, कौन सी आपकी परिस्थिति आ गई? बिहार की ऐसी मेधा है, जब यूपीएससी की परीक्षा होती है, जानते हैं 8% छात्र यूपीएससी बिहार के कम्पीट किए, जितने भी नामी ग्रामीण टीचर हैं जो विभिन्न संस्थानों में पढ़ाते हैं, अदर स्टेट में जहाँ कोटा हो, हैदराबाद हो, जो टॉप मोस्ट आईआईटी संस्थान हो, उसमें बिहार के छात्र होते हैं, बिहार के लोग पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं मैथ नहीं, फिर कहते हैं फिजिक्स नहीं अवेलेबल, फिर केमिस्ट्री नहीं अवेलेबल, किस आधार पर आप कहते हैं? आप तो प्रक्रिया को थोड़ा सा जो स्टेट लेते हैं, प्रत्येक साल तो स्टेट लेकर देखिए, बहुत सारे छात्र आएंगे, काफ़ी छात्र स्टेट क्वालिफाई करेंगे, काफ़ी मैथमेटिक्स के लड़के मिलेंगे, काफ़ी इंग्लिश के लड़के मिलेंगे, काफ़ी फिजिक्स के लड़के मिलेंगे, और जब अपनी मांग के लेकर छात्र आंदोलन करते हैं तो लाठी चलवाते हैं। शिक्षा मंत्री का बयान, आज तक शिक्षा मंत्री कोई भी बयान दिए, आज तक जब से शिक्षा मंत्री बने तब से कोई भी बयान दिए, कोई भी बयान उनकी लाइक नहीं किया गया जनता में, उनके बयान को डिनाई किया गया जनता में, एक्सेप्ट नहीं किया गया उनके बयान को जनता में। पढ़े लिखे आदमी को बयान को संतुलित रूप से देना चाहिए। आप शिक्षा मंत्री हैं, आपके बयान को छोटे से बच्चे टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर आपका बयान आता है और उस बयान को देखा जाता है, आप कैसे शिक्षा मंत्री हैं जी? आपकी ऐसे बयान दिए हैं पहले जो आपकी बयान पर राज्य में नहीं देश में निंदा हुई है, आपके बहुत सारे कमेंट्स किए गए हैं, ये तो बहुत गलती किए जो आपने निर्णय लिया, और सबसे दोषी इसमें तो मुख्यमंत्री है, कैबिनेट का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री जो अलाउ किए कि अदर स्टेट के भी लड़के भर सकते हैं, क्या अपने स्टेट में नहीं मिलेंगे, क्या बेरोजगारी दूर हो गई, ऐसा सोचे हैं? जब लड़के परीक्षा रेलवे की होती है तो लड़के किस ढंग से ट्रेन भर कर दूसरे स्टेट जाते हैं देने के लिए, कभी ऐसा सोचे? मेरे यहाँ रोजगार होता तो लड़के दूसरे स्टेट में जाते, यहाँ कोई इंडस्ट्री है जी, यहाँ जी कोई कल कारखाना है जी? इसलिए अपने से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को गंभीर रूप से विचार करना चाहिए, और विचार करके इस डोमिसाइल नीति जो समाप्त किए हैं उसको लागू करनी चाहिए, लागू करें ताकि बिहार के छात्र को, जो बिहार, जिस बिहार के नागरिक पर आप मुख्यमंत्री हैं, जहां के लोग आपको वोट देते हैं, आपके संसद जीत के जाते हैं, आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप उप मुख्यमंत्री बने हैं, उसको रोजगार नहीं देकर अदर स्टेट के लड़के को रोजगार देते हैं। अरे अंचल में तो देते ही हैं, PCS में तो देते ही हैं, BPSC में तो देते ही हैं, इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है उसमें देते ही हैं, तो फिर इसमें क्यों? सोचना चाहिए, डिसीजन को बदलना चाहिए, डिसीजन को लिबरल करना चाहिए। और लड़के पर लाठी जो चला है, बड़ा दुख हुआ, लड़के तो खाए, लड़कियां जो आंदोलन में भाग ली थी वो भी बच्चियां सब खाए, कितना बड़ा सदमा पहुंचा दी, कैसा गया बिहार का छवि? आपका बयान इंटरनेशनल न्यूज बनाता है, आपके बयान को आज तक जो भी है न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, वह BBC तक आपका बयान को जाता है। कैसे है बिहार के शिक्षा मंत्री?
इसलिए शिक्षा मंत्री को तो पहले बदलना चाहिए ताकि उनका बयान को सही ढंग से हो, न तो बयान में सुधारे, लड़कों पर लाठी चलाना बंद करे और डोमेसाइल नीति को लागू करे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।